रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन बच्चों को जिन्होंने फिजिकल पास किया है। जिन बच्चों ने फिजिकल पास किया है उनको इंटरव्यू के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। अभी क्या क्या उसमें आगे आपका होने वाला है, क्या क्या चीज़ें उसमें आपकी होंगी अभी, जिसमें फिजिकल का फीडबैक हम आज देखेंगे, साथ में फिजिकल का रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है और इंटरव्यू के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, कौन से बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, कौन से बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी चाहिए, इसके बाद इंटरव्यू आपका कब तक हो सकता है और इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करनी है, तो इन सारी चीज़ों पे आज अपन डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जिनका सपना राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं, जो लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो एक बार वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं और उसके लिए आधार मैंने बनाया है 2016 वाली वैकेंसी को, जिसमें क्या कट ऑफ रही थी, शुरू से लेके अंत तक अपन डिस्कस करेंगे, सारे जानकारी आपको देने वाला हूं, तो लगातार मेरे साथ आप बने रह सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल का फीडबैक, पिछले 7 दिन तक लगातार आपका फिजिकल चला है 8 सेंटर्स के ऊपर और इस फिजिकल के अंदर जो अनुपस्थिति रही है लगभग 15-20% के आसपास बच्चे अनुपस्थित रहे हैं। जो अनुपस्थिति का जो कारण होता है वो कॉन्फिडेंस का नहीं होना या फिर फिजिकल तैयारी के दौरान आपको किसी प्रकार की चोट लगी है या फिर आप दूसरा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ आपने पेपर देके देखा था, तो वो बच्चे हैं जो फिजिकल के लिए भाग नहीं लेते हैं, उसमें 20% के आसपास का लगभग आइडिया है। और ये सारी जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूँ ना, ये सिर्फ मेरा एक एक्सपीरियंस जो 2016 वाली वैकेंसी का है, 2021 वाली वैकेंसी का है, और लगातार 1300 से ज़्यादा बच्चों को ऑफलाइन तैयारी करवाई है, बहुत से बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करवाई है और यूट्यूब के माध्यम से भी हम जुड़े हुए हैं। लगातार सारे ही सेंटर्स से बच्चों से जुड़ा हुआ लगातार रहा हूँ, कितने बच्चे लगभग वहाँ उपस्थित रहे हैं, कितने बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, कितने मार्क्स फिजिकल में आते हैं, तो ये सारे आंकड़े मैंने बच्चों से जुटाए हैं, आप सबसे जुटाए हैं और कितने सही होंगे ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, बट अभी मैं सिर्फ बच्चों से जो चीज़ें मैंने जुटाई हैं उन्हीं पर पूरा विश्लेषण किया है। तो सबसे पहले तो आपका फिजिकल का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, जैसे ही आपका फिजिकल कंप्लीट हुआ है इसके बाद में ये पूरे आपका रिजल्ट है वो पुलिस हेडक्वार्टर में जाता है, उसके बाद में आरपीएससी में जाता है, उसके बाद इसके ऊपर पूरा विचार विमर्श होता है और फाइनल डिसाइड किया जाता है कि कब इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये किसी एक आदमी के हाथ का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, इस प्रोसेस में कितना भी टाइम लग सकता है और आरपीएससी चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो वो कितना भी जल्दी भी कर सकता है, देर से भी जारी कर सकता है। 2016 वाले की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4 महीने के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और उसके कोरोना की वजह से काफ़ी समय बाद में इंटरव्यू करवाए गए थे, तो इस बार कितना टाइम लगेगा, 1 मंथ का टाइम तो लगभग प्रोसेस में लग सकता है और उसके बाद में फिर कितना भी टाइम लगे उसका किसी को भी आइडिया नहीं होता है, बट ये रिजल्ट जब जारी होगा आपका उसके बाद ही आपके इंटरव्यू होंगे और ये 500 नंबर में से होगा। जिन बच्चों को पता नहीं है, 400 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था, 100 नंबर का आपका फिजिकल हुआ है और उसमें से जितने नंबर आपके आए हैं उन्हीं नंबरों को मिला के एक मेरिट बनेगी और लगभग जितनी वैकेंसी है उनके 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आपकी इंटरव्यू के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इंटरव्यू की कट ऑफ के लिए मैं आपको डाटा विश्लेषण करूंगा, पूरा विश्लेषण आपको बताऊंगा 2016 की वैकेंसी का और 2021 की वैकेंसी का, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है और आपको दूसरों की बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जो अफवाहों पर चलते हैं, किसी ने कह दिया उसी को मानने लगते हैं, किसी साथ वाले बच्चे ने बता दिया उसी को मानने लगते हैं, या YouTube पे कोई बिना पूरी जानकारी के, अधूरी जानकारी के कोई आके बता देता है कट ऑफ और उसको हम सही मानने लगते हैं। कट ऑफ के लिए मैं आपको जो आइडिया जो बताऊंगा, जो दिखाऊंगा आपको, उससे आप खुद ही अपना अंदाजा लगा पाएंगे और मैं कट ऑफ आपको कुछ भी बताने वाला नहीं हूं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं पूरे राजस्थान में, जो आपका विश्वास है वो सिर्फ रिम डिफेंस एकेडमी के पास है सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें रिटर्न एग्जाम, फिजिकल तैयारी और इंटरव्यू तैयारी। मैं इस तरह का कोई भी कट ऑफ का आपको सटीक नहीं बताऊंगा कि यही नंबर आपके रहने वाले हैं, आपको खुद को आकलन करना है, खुद को अंदाजा
लगाना है वहां तक ले जाके मैं आपको छोड़ने वाला हूं, सारी चीज आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद में अगर आप में सब इंस्पेक्टर बनने की क्षमता है तो आप अपना कट ऑफ खुद निकाल पाएंगे और खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद किस तरह से आपको तैयारी करनी है उस पर अपन बाद में विचार करेंगे। इसके बाद इंटरव्यू कब तक हो सकता है, तो रिजल्ट आने के बाद फिर से वैसा ही प्रोसेस होगा और उसमें फिर आपसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। उसका एक टाइम होता है, इतने दिन में आपको उसको डिपॉजिट करना होता है और उसके बाद फिर प्रक्रिया पूरी ऑफिस का प्रोसेस चलता है, उसमें बोर्ड डिसाइड होते हैं और सारी तैयारियां करने में फिर वही एक महीने से ज्यादा का टाइम लगभग लग ही जाता है। तो वो भी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो आरएएस का जो एग्जाम चल रहा है, अगर मेन एग्जाम अगर अभी होता है तो उसके भी इंटरव्यू करवाए जाने हैं और इतनी बड़ी संख्या में जो इंटरव्यू होंगे तो इनके लिए समय लगता है। तो जल्दी भी करवाया जा सकता है, वो आरपीएससी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आरएएस के इंटरव्यू बाद में होने, एसआई के इंटरव्यू हो सकता है पहले हो, तो इस तरह से उनको सबको मैनेज करना। आरपीएससी का चेयरमैन है, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सब लोगों के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि आपके इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं। विश्लेषण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको 2016 की वैकेंसी और 2021 की वैकेंसी के अंदर जो आंकड़ों का मामला है वो आपको एक बार समझा देता हूं कि सबसे पहले आवेदन की बात करें हम तो आवेदन है वो 400,000 आवेदन किए गए थे 2016 में, अब 2021 में 800,000 आवेदन हुए थे, लगभग डबल आवेदन हुए हैं। इसके बाद अपीयर जो थे, जो भाग लेने वाले हैं परीक्षा में, वो 2016 में 200,000 के आसपास थे, 1,90,000, और अब जो भाग लिया है जिन बच्चों ने वो 400,000 बच्चे थे जो रिटर्न एग्जाम में बैठे हैं। 13, 14, 15 सितंबर को 3 पारियों में एग्जाम हुआ है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी किसी पारी में अंक बढ़े हैं, किसी पारी में अंक घटे हैं, वो एक अलग मैटर है, उस मैटर पे अपन आज डिस्कस नहीं करेंगे। अभी इसके बाद में पास जो हुए थे 2016 के अंदर 11,346 बच्चों को रिटर्न एग्जाम में पास किया गया था जिनको फिजिकल के लिए कॉल हुआ है, और अभी जो हुआ है 2021 के अंदर ये 20,359 जिसमें टीएसपी के कुछ बच्चे हैं और बाकी नॉन टीएसपी के, दोनों मिला के 20,359 बच्चों को कॉल किया गया था फिजिकल के लिए। अब फिजिकल के अंदर जो अपीयर हुए थे 2016 के अंदर वो 8,000 से 9,000 के बीच में हुए थे, और अभी जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं लगभग 20% के आसपास बच्चे हैं जो फिजिकल देने के लिए जाते नहीं है, अपीयर नहीं होते हैं, तो ये संख्या लगभग 20,000 में से 15,000 के आसपास बचती है जो अपीयर होते हैं, 5,000 के आसपास बच्चे हैं जो अनुपस्थित रहे हैं, अब्सेंट रहे हैं सारे सेंटर्स पे मिला के। और ये आंकड़ा अभी किसी प्रकार का ऑफिशियल नहीं है, किसी प्रकार के ऑफिस से मैंने कलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ जो मेरा अंदाजा है, मेरा जो अनुभव है और बच्चों से जो फीडबैक मैंने लिए, तो उसमें ये आंकड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, बट यहां तक का आंकड़ा एकदम राइट है। 2016 वाला ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल राइट है, बट इसमें अभी तक अपन यही तक पहुंचे हैं ऑफिशियल तरीके से। अब ये आंकड़ा सिर्फ मैं अंदाजा बता रहा हूं, इसके बाद में ये भी अंदाजा और ये लास्ट वाली वैकेंसी है, ये फाइनल 859 पद है, इसमें पदों के बढ़ने की संभावना भी है, पिछली बार भी बढ़ी है वैकेंसी, तो इस बार भी आपके पद भी बढ़ाए जा सकते हैं, और जिस तरह से नई वैकेंसी आने की खबर आ रही है उसके अनुसार इतने पदों को भी कंप्लीट किया जा सकता है। इसके बाद में फिजिकल में जो पिछली बार पास हुए थे लगभग 4,000 के आसपास बच्चे पास हुए थे, आधे बच्चे लगभग पास हुए हैं, और इस बार का जो आंकड़ा है ना वो भी यही बताता है, लगभग 7,000-8,000 के आसपास बच्चे पास हुए हैं, लगभग इसके आधे के आसपास। तो ये आधे के आसपास वो बच्चे हैं जिनका स्कोर रहा है वो 50 के नीचे रह गया, 100 नंबर का जो फिजिकल था उसमें 50 से नीचे रह गए ये लोग, आधे बच्चे। और उसके बाद जो ऊपर जिनके नंबर आते हैं ना उनसे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर वाले नंबर में भी 50 पूरे और 55 और 60, यहां तक लगभग 50% बच्चे रह जाते हैं। 60 से ऊपर वाला जो स्कोर होता है वो बहुत कम बच्चों का होता है, 70, 80, 85, और पूरे 100 नंबर वाले बच्चे तो गिनती के होते हैं, 5%, 10% बच्चे सिर्फ इतने हो सकते हैं इस 7,000 में से, यानी कि 500 या 700 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके पूरे 100 नंबर होते हैं, और उनमें से ज्यादातर वो बच्चे होते हैं जिनके रिटर्न में कम मार्क्स होते हैं। जिनके रिटर्न में अच्छे मार्क्स होते हैं वो एक भय के कारण, एक डर के कारण और कॉन्फिडेंस कम होने के कारण उनके नंबर है वो 50 के आसपास ही रह जाते हैं। तो अब आपको खुद को अंदाजा लगाना है कि मुझे कैसे कैलकुलेट करना है आपको कितने नंबर फिजिकल में मिले हैं। अगर आपको भी फिजिकल में अगर अच्छे मार्क्स मिले हैं, अगर आपने रिम डिफेंस एकेडमी में तैयारी की है फिजिकल की, तो मैक्सिमम बच्चों को अच्छा स्कोर किया है और आप बाकी बच्चों से काफी आगे निकल जाएंगे, ये फिजिकल वाले नंबर 100 नंबर में से जो नंबर मिले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद में जो इंटरव्यू कॉल होगा ना, वो पिछली बार 1926 बच्चों का हुआ है और इस बार जो इंटरव्यू कॉल होगा वो 3000 के आसपास होने वाला है। 3 गुना बच्चों को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के लिए कॉल 500 नंबर में से मेरिट बना के होगा। यहां जब आप 3000 में इंटरव्यू के लिए जब आप शामिल होंगे तो 400 नंबर का रिटर्न और 50 नंबर का सिर्फ इंटरव्यू। जो आपके फिजिकल के 100 नंबर है वो बाहर हो जाएंगे, सिर्फ इंटरव्यू के नंबर यहाँ काउंट होंगे। 450 में से फाइनल मेरिट बनती है, जिसमें इंटरव्यू के 50 नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सारे नंबर वैसे इंपॉर्टेंट है, बट इंटरव्यू के नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में 18 नंबर मिनिमम 50 में से लाने अनिवार्य है। 36% मार्क्स, उससे कम नंबर आते हैं तो आप असफल घोषित हो सकते हैं। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि कम आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है, किसी के कम भी आ सकते हैं और पूरे ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। आरपीएससी इसके इंटरव्यू लेके, 3000 बच्चों के इंटरव्यू लेके एक लिस्ट बना के पूरी रैंक वाइज, उसमें कैटेगरी भी अलग अलग नहीं होती है, सबका एक सीरियल नंबर होता है, और वो लिस्ट पुलिस हेडक्वार्टर के पास आती है। वहां से वो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन से 859 पोस्टें निकालेंगे और उसमें फिर उनका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग आदेश जारी होते हैं। तो यहाँ तक जैसे जैसे आप नज़दीक पहुँचते जा रहे हो वैसे वैसे कंपटीशन कम होता जाता है, बट ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं आपके सामने आंकड़े के बाद इनका जो कट ऑफ रही है हर एक लेवल पे, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कट ऑफ किस लेवल पे क्या रही है। तो ये है कट ऑफ जो 2016 और 2021 दोनों की है। इसको आप समझेंगे तो आपको खुद को आइडिया मिल जाएगा कि इस बार की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। जो संख्या हमने देखी वो लगभग उसी रेशियो में चल रही है 2016 से 2021 में, लगभग जस्ट डबल के हिसाब से चल रही है। वैकेंसी भी 511 और 859 में लगभग डबल है और संख्या भी लगभग डबल चल रही है। इसी तरह से कट ऑफ में कितना अंतर आया है, वो अंतर अभी भी उतना ही रहने की संभावना है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है कंपटीशन की वजह से, थोड़ा बहुत जो सोशल मीडिया की वजह से आप में जो जागरूकता आई है, जितने लोगों को रिम डिफेंस एकेडमी से मोटिवेशन मिला है उसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ सकती है। अब वो कितनी बढ़ सकती है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि ये कट ऑफ है 2016 की 400 में से। जनरल ओबीसी एमबीसी और टीएसपी जनरल कैटेगरी के लिए 201 नंबर थे, रिटर्न एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रिटर्न एग्जाम की। एससी कैटेगरी के लिए 161 थे, एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी वो 164 थी। एक्समैन के लिए ऑल पास किए गए थे, एसटी टीएसपी के लिए 155 पास किए गए थे और फीमेल कैंडिडेट सारी पास की गई थी 2016 के अंदर। अब 2021 के अंदर क्या हुआ है, कितना बढ़ा है कट ऑफ वो आप देख लो, यहाँ से 201 थी और वो 233 बढ़ गई, यानी कि 32 नंबर रिटर्न की कट ऑफ बढ़ गई थी। इसके बाद में एससी कैटेगरी की 161 थी यहाँ और 216 बढ़ गई, यानी कि 39 और 16 लगभग 55 नंबर बढ़ गई। एसटी कैटेगरी की 164 थी वो 217 हो गई। एक्समैन की जो सारे पास हुए थे वो यहाँ 120 वाले पास हुए, जिनके मिनिमम 120 नंबर है। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें, जो यहाँ सिर्फ 36% और 40% जिन बच्चों के नंबर आ रहे थे फीमेल कैंडिडेट्स में, उन सब ने रिटर्न पास किया था, बट यहाँ 205 फीमेल कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही है। इसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 185 और एसटी कैटेगरी के लिए 187, अर्थात काफ़ी अंतर आया है फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर। उसके बाद में टीएसपी एरिया की भी मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ ऑल पास थे टीएसपी वाले, यहाँ इस बार मेल कैंडिडेट के लिए 168, एससी कैटेगरी के लिए 168, एसटी कैटेगरी के लिए 155 और फीमेल कैटेगरी के लिए 159 और एसटी कैटेगरी के लिए 155। एससी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है और एक सर्विसमैन मेल कैंडिडेट 144। तो ये अंतर आप देख पा रहे हैं जो रिटर्न एग्जाम के दौरान 400 नंबर में से रहा है 2016 के अंदर और 2021 के अंदर। और इसी तुलनात्मक अध्ययन से हम आगे चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अब क्या रह सकती है। तो देखते हैं अपन 500 में से, देखिए 500 में से जो पिछली बार 2016 में रही है, जिसमें 400 नंबर रिटर्न एग्जाम के और 100 नंबर आपके फिजिकल के, 100 में से जितने नंबर कैंडिडेट्स के आए हैं 50 से लेके 55 60 70 75 80 100 नंबर तक की जो संख्या है, वो रिटर्न एग्जाम में मिला के जनरल ओबीसी और एमबीसी तीनों कैटेगरी के लिए 307 थी। तो ये 307 रही है टोटल, और एससी कैटेगरी के लिए 255 रही थी, एसटी कैटेगरी के लिए 268 रही और एक्स सर्विसमैन के लिए 233 रही थी। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 250 थी पिछली बार जनरल ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की 219 थी और एसटी कैटेगरी की 208 थी। अब इसके अंदर हम
कितना इसमें इंप्रूव होगा वो यहां लिखा जाना है। मैं इसमें कुछ भी आपको लिख के नहीं बताऊंगा, आपको रफ कॉपी और पेन लेना है और अपना कैलकुलेशन खुद करना है कि मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट 2021 में क्या रह सकती है, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या रह सकती है, एससी एसटी के लिए क्या रह सकती है। बेटा इतनी मेहनत जब मैं कर सकता हूं आपके लिए, तो आपको भी अपने खुद के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो देखने की बजाय आप अभी सब इंस्पेक्टर बनने वाली दौड़ में काफी नजदीक आ गए हैं। आपने रिटर्न पास किया है, आपने फिजिकल पास किया है, तो आप बहुत कम बच्चों में भी शामिल हैं। तो थोड़ी सी मेहनत अब आप खुद भी करिए और अपना आकलन खुद करिए यहां से देख के। दूसरों पर आश्रित नहीं रहना है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। इसके बाद दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों का रिटर्न में स्कोर कट ऑफ के आसपास है और फिजिकल में भी 100 में से 50 के आसपास है, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। उन बच्चों का स्कोर ज्यादा नहीं हो पाएगा, उन बच्चों को दूसरा ऑप्शन भी अपना साथ में रखना चाहिए, ये मेरी सलाह है। साथ में जिन बच्चों का रिटर्न में कम नंबर है और फिजिकल में अगर आपके 100 में से 100 नंबर आ गए हैं, रिटर्न में अगर आप कट ऑफ के आसपास भी हैं, तो आपने 50 नंबर औरों से ज्यादा कर दिए हैं और आप एक तरह से रिटर्न में ही ज्यादा नंबर मान के चलिए, क्योंकि आपने दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए स्कोर कर लिया है। और जो बच्चे एवरेज हैं, जिनके रिटर्न में भी 30-40 नंबर एक्स्ट्रा है कट ऑफ से और फिजिकल के अंदर भी 60-70-80 नंबर है, तो वो बच्चे भी सेफ की श्रेणी में आएंगे। और जिन बच्चों के रिटर्न में भी अच्छे नंबर है और औरों से कट ऑफ से काफी ज्यादा है, मैं संख्या का आइडिया नहीं दूंगा कुछ भी, मैं आपको ये बता सकता हूं कि जिनके रिटर्न में भी कट ऑफ से काफी ऊपर नंबर है और फिजिकल में भी अगर आपके 100 नंबर है, तो आपको इंटरव्यू में जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप भी 3000 में आराम से शामिल होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बस अब कट ऑफ आपको खुद को डिसाइड करना है। अब इसके बाद अपन लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए रिम डिफेंस एकेडमी आपको तीनों ऑफर दे रही है। सबसे पहला चीज, कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, 20 तारीख से, 20 फरवरी से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एकेडमी का जो नंबर है, वैसे इस नंबर के ऊपर आपको कॉल करना है और आपको पूरी जानकारी लेनी है कि एडमिशन कब से होंगे, कब तक एडमिशन होंगे, कौन सा बैच कब से चलेगा, बेटियों के लिए कौन सा बैच होगा, लड़कों के लिए कौन सा बैच होगा, साथ में उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हमारे पास है, किस तरह से हम प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको अपनी फैकल्टी जरूर बतानी है कि आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है या बीटेक किया है, जिससे कि हम आपके बैच उसी तरह से बना सके और उसी तरह से आपको उस एक ही टाइम पर हम आपको बुला सके। तो जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहें, 1 तारीख से सारे बैच शुरू हो जाएंगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी 1 मार्च से शुरू होंगे और सीमित सीटें हमारे पास, ये चीज़ आप ध्यान रखना, जितना जल्दी डिसाइड हो उतना डिसाइड करना है। बहुत अच्छे बच्चों ने जिन्होंने फिजिकल के लिए पहले से तैयारी शुरू की, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन्होंने लास्ट में तैयारी शुरू की तो वो लास्ट में कहीं परेशान भी हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आपको बाद में परेशान होना पड़े। और आरएस का जो मेंस एग्जाम है, इसके बाद में ही मैंने इंटरव्यू के बैच शुरू किए हैं, 1 तारीख से शुरू होंगे, तो उसके लिए ऑफलाइन में गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। दूसरा, ऑनलाइन भी चलेगा, ये एप्लीकेशन है अपना प्ले स्टोर पे, रिम डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसके ऊपर भी आपको पूरी तैयारी में लाइव क्लासेस के रूप में कराने वाला हूँ। जो क्लासेस यहाँ होंगी, सेम वैसी क्लास आपको पूरी इंटरव्यू के लिए मिलने वाली है। और इंटरव्यू की तैयारी में बता दूँ, बहुत ही अलग तरीके से करवाती है रिम डिफेंस एकेडमी। पिछले एक ही बैच में 50 में से 22 बच्चों का सिलेक्शन दिया है। 5 दिन 7 दिन में इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो सकती है, ये मेरा मानना है। इंटरव्यू के लिए आदमी की आदतों को चेंज करना पड़ता है, आदमी की सोच को चेंज करना पड़ता है, और जब तक सोच नहीं बदलती है ना, तब तक इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो वो चेंज करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, सिर्फ टिप्स बताने से, सिर्फ भाषण देने से इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, ये मेरा मानना है। और यही काम हम आपका 1 महीने में करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आपको करंट जीके के लिए जो करंट टॉपिक्स हैं, जिन पे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पे हम आपकी क्लासें लगवाएंगे रेगुलर। 2 घंटे की क्लास आपकी सब्जेक्ट की भी हो सकती है और इसके अलावा 1 घंटे की क्लास आपकी मोटिवेशन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, आपको सारे इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए। मैं खुद आपकी क्लास 1 घंटे की रोज लेने वाला हूँ, 30 घंटे 30 दिन, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे मार्क्स नहीं आते हैं इंटरव्यू में, कैसे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ये हमारे लिए चैलेंज की बात है। और लगातार रिटर्न एग्जाम से लेके फिजिकल से लेके इंटरव्यू तक की
पूरी जिम्मेवारी है वो रिम डिफेंस एकेडमी ने आपकी ले रखी है। तो जिन बच्चों ने शुरुआत से हमें फॉलो किया है उनको तो डरने की बात ही नहीं है, उनको तो विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। बट जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, अगर उन्होंने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद में अगले 10 दिन तक मेरे साथ रह के देखिए, फिर आपको डिसाइड करना है कि हमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है और कहाँ करनी है। जो बच्चे एप्लीकेशन भी नहीं परचेज कर सकते, थोड़ा सा मामूली सा खर्चा भी जो बच्चे नहीं वहन कर सकते, उनको भी मैं YouTube के माध्यम से बिल्कुल फ्री तैयारी कराने वाला हूँ इंटरव्यू के लिए। पुराने इंटरव्यू के वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। और नई क्लासें भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, YouTube पर भी बिल्कुल फ्री रहेंगी, तो वहां से भी आप तैयारी आराम से कर सकते हो। तो पूरा ऑप्शन आपके पास है, सब तरह से आप तैयारी कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करिए, आपको और क्या जानकारी चाहिए, सब इंस्पेक्टर से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, सारी जानकारी मैंने आपको देने की एक वीडियो में कोशिश की है। कैसी लगी मेरी दी हुई जानकारी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। आपको ये वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।